आज हम बनाएंगे चने की दाल और गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, चने दाल का पिट्ठा। इसको आप फारा भी बोल सकते हैं। ये यूपी और बिहार का सबसे फेमस और मशहूर नाश्ता है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए आज चने दाल और गेहूं के आटे से नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने एक कप चने की दाल को भिगो के रख दिया था, तो 3 से 4 घंटा पहले इसको भिगो दिया था। चने की दाल भीग चुकी है अच्छे से और अब इसका पानी निकाल दिया है मैंने। और अब एक जार लिया है, जार में ये सारा चने की दाल हम डाल देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच मैंने अदरक, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च ली है 4-5, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दी हूँ। तो मिर्ची को इस तरह से तोड़ के डालिए तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो बस अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, तो इस तरह से इसको मैंने पीसा है। ये थोड़ा सा दरदरा रहे तो भी चलता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे, सारे मिक्सचर को निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक डालिए। उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। बस अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे। और बस अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अंदर का स्टफिंग तैयार हो चुका है, अब इसको साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पे एक मैंने परात ले लिया है और यहाँ पे मैं गेहूं का आटा ली हूँ, तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके हम जिस तरह से रोटी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह हमें इसका आटा लगाना है, न ज़्यादा कड़क और न ज़्यादा सॉफ्ट। जितना हम रोटी का लगाते हैं बस उतना ही लगाना है। तो इस तरह से मैं ये आटा पूरा लगा ली हूँ। तो देखिए आटा पूरा लग चुका है और इतना सॉफ्ट मैंने आटा लगा लिया है। अब इसका क्या करेंगे, छोटे छोटे इसकी लोई निकाल लेंगे और इसको हम बेल लेंगे बड़े साइज़ में। तो इस तरह से लोई लेके और थोड़ा थोड़ा आटा लगा के इसको हम रोटी के साइज़ का बेल लेंगे। बस अब इस तरह से हमें पूरा बेल लेना है, तो ज़्यादा ना मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है। और अब यहाँ पे मैं एक ग्लास ली हूँ और इस ग्लास के सहायता से इसको हम कट कर लेंगे। तो आप ये बड़ा भी बना सकते हैं, एक एक लोई का, छोटा छोटा लोई का भी बना सकते हैं, पर मैं इसे बड़ा लोई लेके और इस तरह से ग्लास से कट करके बनाई हूँ। और बस अब ये जो हमने स्टफिंग बनाई थी, ये स्टफिंग इस पर रखेंगे। तो जितनी बड़ी पूड़ी हो उसके हिसाब से आप रखिए। तो इस तरह से ये सब पे भर देंगे थोड़ा थोड़ा। और बस अब क्या करेंगे, एक साइड लेके और इसको हम फोल्ड कर देंगे और उंगली की सहायता से इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा चिपक जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए, इसी तरह से ये सारे हम चिपका लेंगे और बाकी के भी हम फरा बना लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए अब मैंने इसको चिपका लिया है। कुछ अगर नहीं चिपके तो हाथ पे लेके और फिर उसको इस तरह से दबा दीजिए, तो ये अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये देखिए सारे फारा मैंने बना लिया है और स्टीमर के प्लेट में मैंने हल्का सा तेल लगा के इसमें मैंने रख लिया है। और यहाँ पे मैंने इडली का स्टैंड पहले से ही पानी रख के और इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। और बस अब इसमें हम ये प्लेट रख देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट स्टीम होने देंगे। तो 12 मिनट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टीम हो चुका है कि नहीं फरा। तो टूथपिक की सहायता से एक बार इस तरह से अंदर प्रेस करके चेक कर लीजिए। तो देखिए ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो बस अब इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसको एक प्लेट में निकाल के और साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और बाकी के भी फरा इसी तरह से हम स्टीम कर लेंगे।
तो ये देखिए सारे फारों को मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो अब इसको आप कट कर लीजिए या फिर आप इसको डायरेक्ट भी चटनी से खा सकते हैं या ग्रेवी वाली सब्जी से खा सकते हैं। तो इस तरह से बीच बीच में कट करके और इसको साइड में एक प्लेट में रखेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनता भी है। तो ये देखिए अब इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो कढ़ाई रखा है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें मैं राई डाल रही हूँ। राई हमारी चटक गई है तो थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए और बस अब इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लीजिए। और उसके बाद अब इसमें हम ये सारे फरिया जो कट कर लिए हैं इसको डाल देंगे और बस थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगता है इसको फ्राई होने में, मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए सारा मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा, और बस अब एक बार और हिला लेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। और अब आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ खाइए। तो ये देखिए मैंने फ्राई किए हुए भी फ्रा रखे हैं और स्टीम भी फ्रा रखे हैं और उसके बाद मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। तो इस तरह से ये हेल्दी नाश्ता आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।